हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और ये देखिए, हमारा सामान तैयार हो चुका है और हम जा कहाँ रहे हैं आपको आके बताएंगे। और बस हमारा अभी इस वक्त हो रहा है रात का 8 बज रहा है और हमारी ट्रेन है रात के 9 बजे, वो है भगत की कोठी। तो बस 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना होता है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं हमें स्टेशन, और बेटा भी। तो बस वही सामान निकाल रहे हैं, हम लॉक करेंगे घर से। कहीं जाना होता है तो काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है कि बिल्कुल टाइम से निकले, टाइम से पहुंचे, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो बस पैकिंग वगैरह तो सब हो गई थी हमारी और बस हम निकल रहे हैं। और ये देखिए, सेंसर इतना तेज़ होता है कि बस 2 सेकंड नहीं होता कि ये बंद होने लगता है, तो इसका ध्यान काफ़ी रखना होता है, नहीं तो काफ़ी ख़तरा हो जाता है इससे, लिफ्ट से। 14-15 दिन का लंबा टाइम था, तो हस्बैंड भी नहीं जा पाए और ना ही बेटा जा सका, क्योंकि उसकी भी क्लासेस चल रही थी और इनका ऑफिस था, इतनी लंबी छुट्टी तो लेना मुश्किल था। तो बस फिर हम ही अकेले गए और फिर खाना बनाने के लिए से और कपड़े के लिए से बाई लगवा दी थी। तो बाहर का इतना लंबा कहाँ खा पाते खाना, 2-3 दिन की बात है तो होटल में खा लेता है इंसान। तो ये देखिए, हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे और फिर स्टेशन की पहले की तरह रौनक लौट आई है। और ये हम लोग बैठे हुए स्टेशन में, और जो प्लेटफॉर्म टिकट, पहले ऐसा था कि प्लेटफॉर्म टिकट जो 50 रुपये की होती थी, अब वो 10 रुपये की हो गई फिर से। और ये देखिए, ये हमारा कोच है और ये अंदर हमारे सामान रखने के लिए गए, क्योंकि सामान सेट कर देंगे। और ये देखिए, सुबह का वक्त है, सुबह हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। और ये हमारा लंच भी आ चुका था, लेकिन अच्छा नहीं लगा, ठंडा रहा, तो सोचा कि रात में नहीं मंगाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है, कुछ और खा लेंगे नाश्ते की तरह। तो बस हमने भी ऐसे कुछ भी ले लिया था, ब्रेड रोल्स वगैरह थे, तो यही सब खाए। और ट्रेन का टाइम है हमारे रात भर और दिन भर, और रात को 2:30 बजे करीब हमारे ये जोधपुर पहुंचने का टाइम है इसका। तो बेटे ने कह दिया था कि हम आ जाएंगे, तो फिर वो टाइम से स्टेशन पहुंच भी गया था और हम लोग फिर 2:30 बजे वहाँ से निकले, तो 3 बजे तक घर पहुंच चुके थे। उज्जैन स्टेशन आया था और वहाँ पर हमने फिर नाश्ते में ढोकला और कॉफ़ी लिए। बेटे को भी 2 महीने हो चुके थे गए हुए, तो वो याद कर रहा था, तो क्या कि आ जाइए, तो फिर हम आ गए, तो कम से कम उसे अच्छा लगेगा इस वजह से और हमें भी। तो ये देखिए, जोधपुर पहुंच भी चुके हैं, रात का 2:30 बज रहा है। पहले वीडियो में बताया भी था कि उसकी इंटर्नशिप चल रही है, 4 महीने की है जोधपुर में, तो होटल रेडिशन में। तो बस हम उस लिए उसका नवंबर तक के है, लास्ट नवंबर, 19 नवंबर तक, तो कम से कम हम रह लेंगे जब तक, तो फिर उसके बाद उसे आने में 1 महीना रहेगा, तो उसे ठीक लगेगा। और ये देखिए, पहुंच चुके हैं जोधपुर स्टेशन। और बस ये देखिए, बेटा दिखा तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और ये देखिए, स्टेशन में इतना रश था कि लग नहीं रहा था बिल्कुल कि अभी इस वक्त रात का 2:30 बज रहा है और लोग, कोरोना का सब माहौल सब ख़त्म हो गया ऐसा। और ये देखिए, हम लोग कैब कर लिए थे स्टेशन से और हम लोग घर पहुंच चुके थे। और ये दूसरे दिन जब हम लोग सो के उठे, नहाए और नहाने के बाद में फिर हम लोगों का लंच था, तो वो आ गया था। और लंच इत्तेफाक ऐसा कि बिल्कुल जो रूम में रहते हैं बेटा, उसके जस्ट सामने ही टिफ़िन का है, तो वहाँ से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था। बेटा तो दोनों टाइम तो होटल में ही खाते हैं, बाहर
वहीं जहाँ रहता है, ट्रेनिंग रहती है तो वहीं होता है उनका खाना। और फिर हमने अपने लिए खाना मंगवाया था, और अभी ये 2 दिन के लिए से छुट्टी पे है तो साथ खा लेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, भिंडी की सब्ज़ी थी, मूंग की दाल थी, रोटी चावल, काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल घर की तरह खाना था। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता नहीं कि नहीं तो दूर से आता है आपका टिफ़िन, और भी ये भी कि गरम गरम भी खाना था। और ये देखिए कि रात को खाना खाने के बाद में कॉफ़ी बना रहे थे, तो हुआ ये था कि दूध जब लाए थे दिन में, तो दिन में कॉफ़ी पी लिए थे और दूध बचा हुआ था, तो सोचा कि दूध से कॉफ़ी बना लेते हैं, नहीं तो सुबह तक तो दूध ख़राब हो जाएगा। तो बस वही कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग बना के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो गुड बाय।